हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब भाई। आज हम बात करेंगे दी ऑल न्यू हुंडई क्रेटा एस वेरिएंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने ये जो वेरिएंट है एस 1.5 लीटर पेट्रोल में है। उसके अलावा क्या क्या आपको इस मंथ का ऑफ़र मिलेगा, अगस्त 2021 चल रही है, इसमें क्या आपको बेस्ट ऑफर मिल सकता है, इस गाड़ी में क्या वेटिंग है, कितना इस गाड़ी का एक्सशोरूम या ऑन रोड प्राइस है, क्या क्या आपको फ़ीचर्स मिलेंगे अगर आप ई और ई एक्स के बढ़कर इस अगर वेरिएंट को चूज़ करते हैं तो क्या आपको फ़ायदा रहने वाला है, प्रोज एंड कौन सारे डिस्कस कर लेंगे। इस गाड़ी के वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना। इस तरीके की आपको की मिल जाएगी एस वेरिएंट में भी, रिमोट सेंटर लॉकिंग, स्मार्ट एंट्री मैंने आपको दिखाई दी है, एंड उसके अलावा पुश स्टार्ट बटन रहेगा आपका यहाँ पे एस वेरिएंट में ही। एंड जो इस मंथ का ऑफ़र है अगस्त 2021 का, वो इस टाइम फ़िलहाल इन्होंने बताया कुछ नहीं चल रहा है, जब से क्रेटा लॉन्च हुई है अभी तक कोई भी ऑफ़र नहीं आया। बट हाँ, ये गाड़ी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, अवेलेबल पलवल पारसर होंडा में ये गाड़ी इस टाइम खड़ी हुई है। ब्लैक कलर है, 1.5 लीटर में पेट्रोल इंजन है। तो अगर आप लेना चाहते हैं इस गाड़ी को, ब्लैक कलर है, तो आप एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा, आपके स्क्रीन पर भी डाल दूँगा, तो आप एक बार ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों कवर कर लेते हैं इस गाड़ी का सबसे पहले फ्रंट से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस गाड़ी पे इस टाइम फिलहाल ये जो वेरिएंट आपके साथ आप अपने सामने देख रहे हो एस वेरिएंट, इसमें फिलहाल अभी कोई वेटिंग नहीं है। वैसे तो 3-4-5-6 महीने तक की वेटिंग है क्रेटा के बेस वेरिएंट्स पे, 6 महीने से कम आजकल कोई वेटिंग पकड़ नहीं रहा है। बट ये जो गाड़ी है इस टाइम पारसर होंडाई पलवल में खड़ी हुई है और एकदम फ्री गाड़ी है ये। अगर आप आज इस गाड़ी की बुकिंग करते हैं कल, या तो आपको कुछ दिनों में ये गाड़ी मिल जाएगी। मैं कॉन्टैक्ट नंबर सेल पर्सन का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार जरूर कॉन्टैक्ट करें अगर आप ब्लैक कलर क्रेटा पेट्रोल देख रहे हैं। ये गाड़ी पेट्रोल में ही खड़ी हुई है। उसके अलावा फ्रंट में आपको एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसका। फ्रंट में आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, वो ट्राई बीम वाले हैं, वो इसके अपर वेरियंट्स में आ जाते हैं। एंड EX और S तीनों वेरियंट में ही आपको यही प्रोजेक्टर मिलेंगे। उसके अलावा LED पोजिशन लैम्प, DRLs नहीं है, पोजिशन लैम्प सेम DRLs का ही काम करती हैं, ठीक है। उसके नीचे आपके फॉग लैंप्स आ जाते हैं, ये भी हैलोजन में रहेंगे। स्किड प्लेट आ जाती है सिल्वर, फ्रंट एंड बैक रियर में दोनों में। अगर मैं टॉप एंड वेरिएंट्स की बात करता हूँ, वहाँ पे जेड ब्लैक आपको स्किड प्लेट मिल जाएगी। ये जो आप क्रोम ग्रिल देख रहे हैं, ये सिग्नेचर के साथ आपको यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन लुक देती है। हुंडई का लोगो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पहले इस गाड़ी के टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको थोड़ा सा गोल्डन फिनिश मिलता था इस पे, वो थोड़ा सा मेरे को कम अच्छा लगता था। ये ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें शाइनिंग काफ़ी प्यारी आती है, थोड़ा डार्क कलर जो हम लेते हैं। बाकी आपको क्या फील होता है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा ब्लैक कलर के ऊपर ये जो ब्लैक लाइडिंग्स हैं साइड, ये थोड़ी सी मतलब मिसमैच करती हैं। अगर लाइट कलर होता तो ज़्यादा यहाँ पे अच्छी लगती है, बट ब्लैक कलर में भी ठीक लग रहा है। उसके अलावा टायर सेक्शन हम बात कर लेते हैं, 205/65R16 इंच के आपको व्हील्स मिलेंगे। ये आपका अलॉय नहीं है, ये नॉर्मल व्हील कैप है, आप देख सकते हैं। बट ये डिज़ाइन इस तरीके से किया हुआ है, एकदम अलॉय लगता है। अंदर आपको डिस्क ब्रेक भी दिख रहा है, तो इस तरीके से यहाँ डिज़ाइन किया हुआ है, इससे थोड़ा सा लुक इन्हेंस हो जाता है, गाड़ी लो वेरिएंट नहीं लगती। उसके अलावा टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और OEMs पे इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल भी रहेंगे। क्रोम फिनिश यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, अगर आप चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, मतलब एसेसरीज़ का पार्ट है, बट एसेसरीज आप देख के लगवाना। क्रोम फिनिश जो होती है आजकल जल्दी ही बेकार हो जाती है। अगर आप किसी अच्छी डीलर से लगवाते हैं, अच्छी शॉप से लगवाते हैं, तो वहाँ पे बहुत कम चांस रहते हैं आपको क्रोम जो आपका क्रोम है वो डल पड़ने का। उसके अलावा यहाँ पे साइड आपको स्किड प्लेट मिल जाएगी सिल्वर में। पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं इस वेरिएंट में। एंड अगर मैं फ्रंट की बात करता हूँ तो वहाँ आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। टॉप एंड वेरिएंट्स में आप जाएंगे तो आपको रियर में भी डिस्क मिल जाएगा। एक बार रियर देख लेते हैं, रियर प्रोफाइल में हमें क्या क्या मिलने वाला है। LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, एस वेरिएंट से यहाँ पे चालू हो जाते हैं, इससे नीचे वाले में नॉर्मल मिलेंगे आपको। उसके अलावा हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ मिल जाएगा। रियर वाइपर वॉशर डिफोगर एस वेरिएंट में आपको मिल जाता है। एंड उसके अलावा आपको स्पॉइलर भी मिल जाता है ब्लैक पेनो फिनिश के साथ। उसके अलावा क्रेटा की बैजिंग, हुंडई का लोगो एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, आई थिंक कैमरा भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एस वेरिएंट में इतने सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। एंड मेन चीज़ ये है, ब्लैक कलर में जो आप सिल्वर फिनिश देख रहे हैं ना बॉडी पे, ये काफ़ी प्यारा लगता है इसमें। एंड अगर आप अलॉय व्हील्स लगवा लेते हैं तो और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। 50 लीटर की कैपेसिटी मिलेगी। इलेक्ट्रिक आपको बटन मिलेगा बूट ओपन करने के लिए। एंड यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन मिल जाता है। रियर पार्सल ट्रे मिल जाएगी आपको एस वेरिएंट में। एंड उसके अलावा 433 लीटर का यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिल जाएगा।
काफ़ी प्यारा बूट स्पेस है, बूट में इल्यूमिनेशन भी मिल जाती है एंड साथ के साथ हुक प्रोवाइड होते हैं। एंड उसके अलावा स्पेयर व्हील की मैं अगर बात करूँगा अपोलो के साथ, इसका साइज क्या है, 205/65R16 सेम साइज का आपको स्पेयर व्हील मिलेगा, ठीक है, अच्छी बात है। एंड उसके अलावा 60/40 का यहाँ पे आपको सीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, पूरी 100% फोल्डेबल सीट्स रहेंगी। रियर स्किड प्लेट आपको मिल जाती है, फ्रंट में भी यही रहेगी। तो ये हमारा ओवरऑल रियर था। अब बात करेंगे ड्राइवर डोर की, तो ड्राइवर डोर पे आपको स्मार्ट एंट्री मिल जाती है, को ड्राइवर साइड यहाँ पे एंट्री नहीं है बट आपको ड्राइवर साइड तो मिल ही जाती है। ये आपका ड्यूल टोन इंटीरियर रहेगा, ब्लैक एंड बीच कलर का, काफ़ी प्यारा लगता है। एंड ये सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है इंटीरियर, लोग कहते हैं वाइट कलर है बीच कलर गंदा हो जाएगा, भाई मेंटेन करने के ऊपर बात है, लुक इसी में ही आती है। डोर पे बात करते हैं, चारों पावर विंडोज़, इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टेबल आपके मिरर्स रहेंगे, ऑटो फोल्डेबल नहीं है, मतलब आपको हाथ से ही फोल्ड करने पड़ेंगे एंड यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं बस इलेक्ट्रॉनिकली। आपको नॉर्मल स्पीकर्स मिल जाएंगे, उसके साथ बोतल होल्डर का स्पेस मिल जाएगा आपको। उसके अलावा इंटीरियर बात कर लेते हैं एक बार, ड्राइवर सीट यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल मिलने वाली है, एक प्लस पॉइंट है, मैनुअली हाइट एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं मिलेगी इस वेरिएंट में। स्टीयरिंग पे सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स ही रहे, क्रूज़ कंट्रोल ये रहे, नहीं से MID कंट्रोल्स भी आप कर सकते हैं। डी टाइप स्टीयरिंग क्रेटा का फेमस है शुरू से, सॉफ्ट टच यहाँ रहेगा, यहाँ पे आपको किसी तरीके की लेदर वैपिंग नहीं मिलेगी। एंड आई थिंक ये टिल्ट रहेगा, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं है, ओनली टिल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। इधर वाइपर कंट्रोल्स एंड इधर लाइट कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सभी बेसिक से टॉप इन्फॉर्मेशंस रहेंगी, फुली डिजिटली नहीं रहेगा बट हाँ सेमी डिजिटल है, काफ़ी है अपने लिए। एंड उसके अलावा इंफोटेनमेंट कंट्रोल की मैं बात करता हूँ, तो 20.32 सेंटीमीटर का आपको ये टच स्क्रीन के साथ साथ मैनुअल कंट्रोल आपको इंफोटेनमेंट मिल जाएगा। उसके अलावा 4 स्पीकर्स रहेंगे यहाँ पे, अगर टॉप एंड वेरिएंट्स पे जाते हैं आप बोस के प्रीमियम स्पीकर 8 आ जाते हैं सबवूफर के साथ। फ़ोन कंट्रोल्स, वॉइस, रेडियो, सेटिंग एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या हमें मिलता है। साउंड की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे प्रीमियम साउंड, पोजीशन साउंड सब, मतलब यहाँ से आप अच्छे से इसे साउंड को मैनेज कर सकते हैं। डिवाइस कनेक्शंस हैं यहाँ पे ब्लूटूथ फ़ोन। एंड उसके अलावा डिस्प्ले की अगर हम बात करते हैं तो इल्यूमिनेशन का, डे लाइट एंड नाइट का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, ब्लू लाइट मिल जाती है, होम स्क्रीन मिल जाती हैं, क्या आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं गैजेट्स। एंड मीडिया चेंज नोटिफिकेशन काफ़ी सारे यहाँ पे आपको मिल जाएगा सब कुछ। एंड वाईफाई कनेक्टिविटी भी यहाँ पे मिल जाती है। व्हीकल में देख लेते हैं एक बार, इंटरनल एयर सर्कुलेशन, ऑटोमेटिक वेंटिलेशन, ये नॉर्मल है। तो ये सारे बेसिक फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अगर टॉप एंड वेरिएंट की मैं बात करता हूँ तो उसमें आपको और भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा। यह हमारा कॉन्सोल रहेगा AC का, काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में। उधर एयरबैग्स का हमें ऑप्शन मिल जाता है। ग्लोब बॉक्स की बात करता हूँ, काफ़ी वाइड ग्लोब बॉक्स मिलेगा, बेस वेरिएंट से टॉप तक सेम ही है एंड ये भी कूल रहेगा आपका। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है इस वेरिएंट में। एंड रियर वाइपर एंड फ्रंट वाइपर, मतलब डिफोगर का भी ऑप्शन मिल जाता है, ये एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे आप स्मार्ट चार्जिंग मिस करेंगे क्योंकि मिडल वेरिएंट है, कुछ तो कॉस्ट कटिंग होगी क्योंकि टॉप वेरिएंट्स के प्राइस काफ़ी हाई रहते हैं। 12 वाट का आउटलेट, USB एंड एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। पेट्रोल मैनुअल है तो आपको मैनुअल गियर लीवर मिल जाएगा, उसके साइड में आपको सिल्वर फिनिश। एंड पियानो यहाँ पे आपको फिनिश नहीं मिलेगी कॉन्सोल पे, नॉर्मल जेड ब्लैक यहाँ पे मिलेगा। ये आपका रहेगा हैंड ब्रेक एंड आर्मरेस्ट भी यहाँ पे आपको स्पेस के साथ प्रोवाइड होता है, सॉफ्ट टच हमारा आर्मरेस्ट रहेगा। नॉर्मल IRVM रहेगा हमारा रियर व्यू मिरर। उधर इल्यूमिनेशन तो नहीं बट यहाँ पे आपको मिरर मिल जाएगा। इधर रीडिंग लाइट्स रहेंगी। दोस्तों प्राइस की बात कर लेते हैं इस गाड़ी का, जो बेस वेरिएंट है पेट्रोल 1.5 लीटर E, वो स्टार्ट हो जाता है 10,16,000 एक्स शोरूम से एंड ऑन रोड जाता है 11,96,000 के आसपास। एक्स शोरूम में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होती हैं आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो एक बार आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। अगर कुछ चीज़ें आप हटवाना चाहते हैं तो प्राइस में काफ़ी सारा डिफरेंस आपको मिल जाएगा। उसके अलावा सेकेंड वेरियंट है 1.5 लीटर EX, उसका 11,12,500 एक्स शोरूम प्राइस है।
ऑन रोड जाती है 13,15,000 के आसपास। ये जो हमारे पास थर्ड वेरिएंट खड़ा हुआ है क्रेटा S1.5 पेट्रोल, उसका जो एक्चुअल प्राइस है 12,35,500 है। ऑन रोड प्राइस में बता दूं आपको 14,54,078 के आसपास आपको मिल जाएगा। एंड स्टेट वाइज अलग वेरी करेगा, ये मैं प्राइस आपको पलवल हरियाणा का बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप दिल्ली जाते हैं या फिर यूपी वगैरह में, तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन की वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क मिल जाएगा। एंड पेट्रोल का जो टॉप वेरिएंट है टर्बो SX ऑप्शनल, वो है 17,87,000 एक्स शोरूम। डीजल का टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक में है 17,78,000। तो ये मैंने आपको प्राइस बता दिया है क्रेटा का। एंड उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं पूरा आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ये पूरी प्राइस लिस्ट है, आप अपने हिसाब से देख लेना। एंड उसके अलावा अगर हम कलर ऑप्शंस की बात करते हैं क्रेटा की, कलर ऑप्शंस की पहले मैं बात कर लेता हूँ इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो 1.5 लीटर, 1.4 लीटर एंड 1.5 लीटर डीजल, ये तीन इंजन आपको पता है मिलते हैं। एंड इसमें कोई फ़र्क नहीं रहने वाला। अगर मैं आपको बताऊँ, आप बेस वेरियंट लेते हैं टॉप, आपको पावर या माइलेज या फिर आपको जो बोलते हैं टॉर्क वगैरह, वो सेम ही मिलने वाला है। अगर आप इंजन स्पेसिफिकेशंस देखेंगे तो 4 सिलेंडर के साथ 16 वेल्व इंजन आता है, 1.5 लीटर पेट्रोल जो कि 115 पीएस पावर जनरेट करता है 6300 आरपीएम पे। उसके बाद आता है 4 सिलेंडर 16 वेल्व के साथ डीजल इंजन जो कि 115 पीएस पावर जनरेट करता है 4000 आरपीएम पे। एंड उसके अलावा आता है 4 सिलेंडर 16 वेल्व के साथ आपको 1.4 लीटर टर्बो जो कि आपको 140 पीएस पावर जनरेट करके देता है 6000 आरपीएम पे। तो ये जो टर्बो वेरिएंट है पेट्रोल में, इसका आपको एक माइनस पॉइंट मैं बता दूं, एवरेज आपकी घट जाएगी। हाँ, आपको ड्राइविंग जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतर मिलेगा, बट एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, सबसे ज़्यादा जो इसमें बिकता है वो पेट्रोल बिकता है और डीज़ल। 1.5 लीटर टर्बो बहुत ही कम जो शौकीन होते हैं, बट उसका जो प्राइस पहुंच जाता है वो हाई पहुंच जाता है। एंड उसके बाद आपका ऑप्शंस भी काफ़ी सारे खुल जाते हैं, क्योंकि वो 17-18 लाख के आसपास जाके पहुंचता है टर्बो वाला, तो उसमें और भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो इसलिए वो सबसे कम सेल होता है। ये वेरिएंट जो एस निकाला है इन्होंने, सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि आपकी सारी बेसिक से टॉप नीड्स ये कवर कर लेता है। उसके बाद अगर मैं सेफ्टी फ़ीचर की बात करता हूँ, तो मैंने आपको जैसे बताया था फ्रंट में डिस्क, रियर में आपको ड्रम मिलते हैं, इसमें टॉप एंड में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको डिस्क मिल जाएंगे, दो एयरबैग्स मिलते हैं, साइड और जो साइड कर्टेन एयरबैग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सेस ऑप्शनल में मिलेंगे। उसके बाद ABS, EBD, आइसोफिक एंड VSM, HAC, ESC ये आपको SX से चालू हो जाते हैं। आपको ABS, EBD बेसिक मिलेगा इसमें, दो एयरबैग्स मिलेंगे एंड पार्किंग कैमरा वगैरह मिल जाते हैं, सेंसर्स मिल जाते हैं, टेनेट IRVM। एंड ये आपके स्क्रीन पे मैं आप दिखाई देता हूँ पूरा, ये सेफ्टी फीचर्स हैं आपके, तो आप एक बार अपने हिसाब से देख लेना आपको कौन सा वेरिएंट चूज़ करना है। दोस्तों एक बार नज़र डाल लेते हैं इस गाड़ी के रियर सीट्स पे, तो सबसे पहले आपको रियर डोर एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे वही आपको पावर विंडो, सिल्वर इंटीरियर हैंडल, सनशेड मिल जाती है आपको धूप वगैरह से बचने के लिए, प्राइवेसी के लिए ये इनबिल्ट रहेगी। स्पीकर का ऑप्शन एंड बोतल होल्डर का ऑप्शन, ये आपको एंगल मिलने वाला है इनर एंड आउटर का। तो अगर इन करके देखते हैं, हम मैंने आगे की सीट्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली हैं जिस तरीके से मैं ड्राइव करना चाहता हूँ गाड़ी को। एंड उसके अलावा देखो आप कितना स्पेस है इस गाड़ी के अंदर, तो मेरे हिसाब से स्पेस में तो कोई इशू नहीं है। एंड थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है देखिए, एंड सीटिंग कंफर्ट है वो भी काफ़ी प्यारा है क्रेटा के अंदर। भले ही थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, पर आपके ना सारी नीड्स इस गाड़ी में कवर हो जाती हैं। पीछे पॉकेट्स मिल जाते हैं, रियर एसी वेंट्स एंड चार्जिंग का एक सॉकेट मिल जाता है, फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिल जाता है, पॉकेट दोनों तरफ रहेंगी। एंड इन पे अभी कोई सीट कवर वगैरह नहीं चढ़ा हुआ। उसके अलावा रीडिंग लैंप मिल जाएगा हैलोजन में, सनरूफ का ऑप्शन यहाँ पे आप मिस करेंगे क्योंकि वो टॉप एंड वेरिएंट में रहेगा। उसके अलावा हेडरेस्ट यहाँ पे आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे, ओनली फ्रंट के दो हेडरेस्ट एडजस्टेबल रहेंगे। ये आपका व्यू रहने वाला है पूरा क्रेटा का।